नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी का स्वागत है इंडिया डेली डिजिटल पर। इस समय जो हमारे साथ शख्स खड़े हैं, किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। वरिष्ठ राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा जी हैं। तन्खा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। मेरा आपसे एक सवाल है कि आपने बीते दिनों एक सवाल उठाया बजट को लेकर कि मध्य प्रदेश की उपेक्षा की गई है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं और विस्तार से? आप बताइए, इस पूरे बजट में मध्य प्रदेश का क्या विवरण है? मध्य प्रदेश की बारे में कुछ बोला भी गया है? जो सामान्य जनरल पॉलिसीज हैं, जनरल स्कीम्स हैं, वो तो पूरे देश के लिए होती हैं, और हमारा पूरा महाकौशल, पूरा विंध्य, पूरा बुंदेलखंड, जिस रीजन से मैं आता हूँ, पूरी तरह पिछड़ा है। मतलब मेरे को तो लगता है कि एक सेकंड स्टेट बनाने की ज़रूरत है मध्य प्रदेश में। अगर आपको ये जो ईस्टर्न मध्य प्रदेश को अगर आगे बढ़ाना है तो एक नई व्यवस्था लानी पड़ेगी, क्योंकि हर चीज़ में मुझे बोल दिया जाता है कि जबलपुर में या रीवा में ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। जब IPL और टेस्ट मैच स्टार्ट हुए तो मैंने कहा जबलपुर में क्यों नहीं होता टेस्ट मैच, तो सिंधिया जी ने मुझे बताया कि दो ही सेंटर्स हो सकते हैं एक स्टेट में, इंदौर और ग्वालियर पहले से बन चुका है, इसलिए अब जबलपुर में नहीं हो सकता। तो अगर कुछ भी चीज़ अगर जबलपुर में नहीं हो सकती और विंध्य में नहीं हो सकती और बुंदेलखंड में नहीं हो सकती है, तो हमको व्यवस्था दी जाए जिससे हमारे यहाँ चीज़ें हो सके, और वो व्यवस्था मुझे लगता है एक नई स्टेट की होगी अल्टीमेटली। क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ, पूरा जो मध्य प्रदेश का जो डेवलपमेंट है या पावर सेंटर है, वो पूरा वेस्टर्न की तरफ चला गया है, पूरा मालवा तरफ चला गया, मध्य भारत तरफ चला गया। आपको याद होगा पिछले मंत्रिमंडल में पूरे महाकौशल से मंत्री नहीं था वर्चुअली, मतलब जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से कोई मंत्री भी नहीं था। आप इस हमको इतना अर्थहीन समझते हो कि आपको लगता है कि हमको इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत भी नहीं है। और मैं तो धिक्कार करता हूँ जबलपुर के लोगों पे कि इतना सब इंसल्ट पाने के बाद भी आप BJP को वोट देते हो, तो मैं तो यही कहूँगा तो फिर आप इस लायक हो। सर, अभी आपने देखा कि जिस प्रकार से विधानसभा के चुनाव हुए, उसके बाद लोकसभा के चुनाव हुए, मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को नकारा, नतीजे ये दिखाते हैं, कहाँ कमी देख रहे हैं सर आप? मैं तो ऑलवेज कहता हूँ पॉलिटिक्स में कि एक समय, हर पॉलिटिक्स एक समय की से चलती है। पॉलिटिक्स इज ऑल्सो एन आइडिया। आपको एक नया आइडिया बनना पड़ता है पॉलिटिक्स में ऊपर आने के लिए। मैं आम आदमी पार्टी को बोलता हूँ कि क्यों आम आदमी पार्टी सामने आई, इट वॉज एन आइडिया। आप देखो, जहाँ जहाँ भी एक नया आइडिया आता है वहाँ पर पॉलिटिक्स में चेंज आता है। तो कांग्रेस विल ऑल्सो हैव टू बी अ न्यू आइडिया इन मध्य प्रदेश। आपने 50-60 साल मध्य प्रदेश में राज किया, कुशल नेतृत्व भी था हमारे, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे मुख्यमंत्री थे। कौन थे हमारे मुख्यमंत्री? रविशंकर शुक्ला, कैलाशनाथ काजू, द्वारका प्रसाद मिश्र, श्यामाचरण शुक्ला, PC सेठी, अर्जुन सिंह, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, देखिए कितने बड़े लोग थे सब। बट धीरे धीरे कांग्रेस में एक फैटिक आ गया, वो जो एक बड़ा नेतृत्व का जो एक हम लोग देखा करते थे कांग्रेस में एक प्रेजेंस, वो हमको आज वो अभाव दिखता है, खालीपन आ गया है। तो कांग्रेस इज नॉट अ मास, देखिए कांग्रेस इज नॉट अ कैडर बेस्ड पार्टी, इट इज़ अ लीडर लेड पार्टी। जहाँ जहाँ कांग्रेस के पास स्टेट्स में लीडर रहेंगे वहाँ वहाँ कांग्रेस पावर में आएगी, और जहाँ जहाँ लीडर का अभाव हो जाता है कांग्रेस स्टेट नहीं जीत पाती है। तो मुझे लगता है समय आ गया है मध्य प्रदेश की बाइपोलर पॉलिटिक्स में एक नई लीडरशिप का। सर, एक अंतिम सवाल है। सर, हम लोग देखते हैं और लगभग खबरों में भी आता है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के भीतर गुटबाजी हो गई है। एक धड़ा कमलनाथ जी के साथ है, अभी कमलनाथ जी अपना जो उनका गढ़ माना जाता है वो भी हार गए। एक धड़ा जो माना जाता है वो दूसरे नेता के साथ है, दिग्विजय सिंह जी के साथ। क्या गुटबाजी ही नुकसान पहुंचा रही है? देखिए, गुटबाजी तो किसी भी पार्टी में होती तो नुकसान पहुंचाती है। बट अब जो भी आप गुटबाजी की बात कर रहे हो, आई थिंक इट इज़ अ थिंग ऑफ द पास्ट। मैं आगे ये गुटबाजी का बहुत ज़्यादा मेरे को दिखती नहीं है, क्योंकि अब सर्वाइवल की बात है और सर्वाइवल के वक्त गुट खत्म हो जाते हैं। तो मुझे तो फीलिंग ये है कि मध्य प्रदेश में एक नए आइडियाज़ के साथ अगर ऑपोजिशन सामने आएगा, मध्य प्रदेश विल लैप इट अप। मध्य प्रदेश वेट कर रहा है फॉर न्यू आइडियाज़। सर, जीतू पटवारी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जीतू एक एनर्जेटिक यंग बॉय है, मैं तो जानता हूँ जीतू को सालों से, बहुत संघर्षशील है, इसी तरह उमंग बहुत संघर्षशील है। हमको दोनों से बहुत उम्मीद है और मैं चाहता हूँ कि जिस प्रकार से एक गति दे रहे हैं मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स को दोनों, उससे ज़रूर हमको फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ विवेक तन्खा जी, जिनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी जो कि मध्य प्रदेश में है, फटीग आ गया है उसमें, खालीपन आ गया है, लिहाजा
मध्य प्रदेश की जनता भी देख रही है कि एक नई ऑप्शन पैदा हो सके। देखते रहिए इंडिया डे डिजिटल, मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।